अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सैयद मुती अल हसन और आप देख रहे हैं MTV न्यूज़। ज़िलाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला सरगोधा उसामा गयास मेला ने सरगोधा प्रेस क्लब में प्रोग्राम मीट द प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान मुल्क में हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के हर शोबा में बेहतरी की ज़रूरत है, जिसके लिए मीडिया अहम किरदार अदा कर सकता है। मज़ीद तफसील जानते हैं मोहम्मद बिलाल की इस रिपोर्ट में। बुनियादी हकूक और कानून में मुल्क के हर फर्द को बराबरी का हक मिलना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार उसामा गयास मेला ज़िलाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरगोधा ने प्रेस क्लब में प्रोग्राम मीट दी प्रेस से खताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मिशन है कि कोई शख्स भी बुनियादी हक वोट की बुनियाद पर लेने के लिए मजबूर ना हो। हम सबको मिलकर मुल्क को इस ढांचे में डालने को काविश करनी चाहिए। मुल्क के हर शोबे में बेहतरी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से ताकतवर कानून को अपने मुताबिक इस्तेमाल करता है। यहाँ पर अमीरों के लिए कानून और गरीबों के लिए और है। इस फर्क को खत्म होना चाहिए। जमहूरियत के लिए जितना मीडिया ने किरदार अदा किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान आवाम की आवाज़ बन चुके हैं। आइंदा आम इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। उसामा गयास मेला ने कहा कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में जितने तरक्याती काम जिला सरगोधा में हुए हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब मार आसिफ हनीफ, जनरल सेक्रेटरी मियां मोहसिन रजा समेत सहाफियों की कसीर तादाद मौजूद थी।